शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैडम सर, ये क्या था? हमको समझ में नहीं आ रहा। जब हम सबको अच्छे से पता है कि वो जो जेवर है वो उनके पति कैलाश ने चुराया, तो आपने उनको ये बात काहे नहीं बताई? उनका पति तो अपने इश्क की पतंगबाजी में सारे जेवर जो है वो गिरवी रखकर आ गया 10 लाख में, और वो 10 लाख उसकी फुलझड़ी फुर करके उठा कर ले गई। तो आपने ये बात काहे नहीं बताई? प्रॉब्लम सॉल्व थी ना, केस सॉल्व हो गया था ना मैडम सर, अगर हम उनको बता देते तो। क्योंकि हम उनका घर नहीं तोड़ना चाहते थे करिश्मा सिंह। देखिए, हम मानते हैं कि कैलाश से गलती हुई है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है, वो चीजें अब फिर से ठीक करना चाहता है। तो ऐसे में हमें उसकी इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए या फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहिए? तजुर्बा कहता है हमारा कि गुनाह करने वाला अगर अपना गुनाह खुद कबूल कर ले तो उसके उस गुनाह की तलाफी मुमकिन होनी चाहिए, उससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस बार तो हम इस केस को जज्बातों से ही हैंडल करेंगे। और कैलाश ने जो किया मैडम सर उसका काम, उसने तो एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा कि जब उसकी पत्नी को सारा सच पता चलेगा तो उस पर का बीतेगा। ऐसे इंसान के लिए मैडम सर आप जज्बातों का बात कर रही हैं। वो तो इत्तेफाक से हमें लल्ला का सच्चाई पता चल गया, नहीं तो दुनिया का सारा पत्नी यही सोचती कि हमारा पति जो है वो सबसे ईमानदार और सच्चा आदमी है। करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? जी मैडम सर, हम बिल्कुल ठीक है। हम ठीक नहीं लग रहे? नहीं, अभी आपने लल्ला का नाम लिया इसलिए पूछ रहे हैं। लल्ला? हम नहीं मैडम सर, हम लल्ला का नाम काहे लेंगे? नहीं, हाँ, अभी बातों बातों में आपने लल्ला का नाम लिया इसलिए। आप दोनों के बीच सब ठीक है ना? मतलब अगर आप बताना चाहें तो। सब एक मिनट मैडम सर। हाँ। हाय काजल, पिछले एक घंटे से तुम्हारी फोटो देख रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है। कितनी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने। कुत्ता का दुख है सब, टेढ़ा का टेढ़ा कभी सीधा नहीं होगा। सब आदमी जो होते हैं ना मैडम सर, वो एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। करिश्मा सिंह, कहाँ जा रही हैं आप? कुछ नहीं मैडम सर, वो थोड़ा सा घुटन सा लग रहा है हमें यहाँ पे, तो हम बाहर का हवा खा लेते हैं थोड़ा जाके। करिश्मा सिंह, आपको सच में लगता है कि ऐसे मूड में हम आपको अकेले जाने देंगे? आप बाहर जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा सा मन शांत करिए, हम आते हैं, ठीक है? जी मैडम सर, धन्यवाद। पुष्पा जी, एक सेकंड। जी मैडम सर। ये मैडम सर, ये मैंने सोनिया की फोटो नए सॉफ्टवेयर पे अपलोड की है, और ये जो सॉफ्टवेयर है सोनिया की फोटो से मिलती जुलती जितनी भी फोटोज है ना उन सबको फाइंड आउट कर लेता है। ओके। तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, ये देखिए, ये है ज्योति और ये है सोनिया। मैडम सर, ये तो एक ही लड़की है। एग्जैक्टली। पुष्पा जी, जल्द से जल्द इस लड़की ज्योति को जो है थाने बुलाइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारा काम इसी लड़की का है या फिर इसके नाम पर कोई और ये काम कर रहा है। जी मैडम सर। एक बात बताओ, सोनिया का जो सिम कार्ड है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? कोई सूरज कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम जानते थे कि इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा फ्रॉड इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर हैं और बहुत होशियार, एक कदम आगे। कुछ और सोचना पड़ेगा इन्हें पकड़ने के लिए। इनफैक्ट इन्हें पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हमें ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसको ये लड़की अपना अगला शिकार बनाने वाली है, तब हम इस गैंग को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। मगर मैडम सर, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? हाँ, मिलेगा पुष्पा जी, ढूंढने से ऊपर वाला भी मिलता है। ढूंढिए उसे। Get to work. जी मैडम सर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये आप हैं? नहीं,
दीपिका पादुकोण है। What attitude? आपकी दुकान कहाँ है? Excuse me? Always excuse. बिल्लुआ. No, you, ma'am. हाँ, तो आंटी आप क्या बोल रही थी? रे रे. आंटी? क्या हम आंटी लगते हैं आपको? तो क्या बोलूँ? छोटी आंटी? नहीं? छोटी छोटी दीदी. मैडम चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा. अच्छा मैडम से याद है, मेरी पांचवी कक्षा में ना एक गणित की टीचर थी, बिल्कुल एकदम आप ही के जैसी थी. वो ना मरते मरते मर गई. वो किसी से आंटी नहीं सुना करती थी, फौरन टोक देती थी कि भाई जो बोलना है बोलो, बस मुझे ना आंटी मत बोलो. बोलने बुलाने से याद है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? वही तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, मगर आप बोलने का वक्त कहाँ दे रही हैं हमें. वैसे बोलने से मुझे याद आया, आप जरा एक चाय और दो समोसा बोलना. उसके साथ बर्गर, आलू टिक्की और वो केक हार्ट शेप वाला. हैवे लॉटे, क्या कर रहा है तुम? अभी रिसेंटली जस्ट तुम्हारा दिल टूटा है ना, फिर यहाँ पर दिल लगा रहा है. शर्म कर यार, शर्म कर. तुम्हारा तो रोज दिल टूटता है, तुम तो रोज शर्म 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 करो. हो गया, तो अब हम बात करें. जल्दी जाओ जल्दी जाओ. हाँ, हमारे लिए भी चाय बोल दो. माँ, ये इंसल्ट है. नहीं जा रहा तुमको, हम बोल दे रहे हैं. मद्दाम, अरे तीन चार कप चाय और समोसा लेकर आओ. हाँ, थैंक यू. लाया. तो आपका कहना ये है कि आपका नाम सोनिया नहीं है, आप ज्योति हैं? मेरा क्या, सबका यही कहना है, मुझे पैदा करने वाली नर्स से लेके आधार कार्ड तक का यही कहना है कि मैं सोनिया नहीं, ज्योति हूँ. तो आप किसी कैलाश वर्मा नाम के इंसान को नहीं जानती? वैसे जानने से याद है, मुझे ये जानना है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है. पूछताछ के लिए बुलाया आपको. ये समोसा. चाय 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 चाय. सहारा तुम? भाई डेढ़ इश्क की कसम, ये सहारा कौन है? बाबू, ये सहारा कौन है? इकबाल को बुला वापस. अरे शॉक लग जाएगा, मर जाएगा. अरे समुद्री जीव, नाश्ता में केकड़ा खाया था क्या कि इंसान से जोम्बी बने जा रहा है? सीधा खड़ा रहना है, रह भी लौटे, संभाल ले यार इसको. ठीक से खड़ा रहना. इकबाल, 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 इधर. हाँ इधर देखना, इधर से आवाज आ रही, उधर क्या है? हाँ हाँ, तुमने इनको सहारा बोला, क्यों? क्योंकि यही तो है आजकल हमारे जीने का सहारा. जी, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट उसको बोलने दो, इधर देख मुझसे बात कर रही है. कैसे, कब बात हुई, क्या बोलना, क्या चाहते हो तुम? आजकल यही है हमारी दोस्त है? अजीज, हम दर्द, हम सफर, आजकल इन्हीं से हम अपने दिल का दर्द में आजकल. ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, कब बात की हमने? हैं? कौन है हम? अच्छा वो कौन था जिसने हमें मैसेज किया था? हाँ, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हमारी बातें हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ. और बिल्ले, कल इन्होंने हमें अपनी मोबाइल पे फोटो भेजी, ये देख. मत दिखा मत दिखा, ये कैसा भिदूर, भूर के साथ लंगूर. एक मिनट इकबाल, तुम्हें जिस नंबर पे मैसेज आया था वो नंबर बताओ. एक सेकंड, ये रहा. ये आपका नंबर है? नहीं. पक्का? पक्का. इकबाल, ये फोटो इन्होंने तुम्हें नहीं भेजी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और लड़की ने अपना नाम सहारा बताकर तुम्हें ये फोटो भेजी है, बल्कि इस लड़की को तो पता भी नहीं कि सहारा कौन है. अच्छा, इसका मतलब ये सहारा नहीं है? इकबाल, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, फेक नाम, फेक फोटो भेजकर तुम्हें ठगने की कोशिश की गई. लेकिन संतु जी, हमें तो किसी ने ठगा ही नहीं, ना तो उसने हमसे कोई डिमांड की, ना तो कुछ मांगा है, तो कैसे? हाँ, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला तो तुम बच गए. एक मिनट इकबाल, तुमने कहा तुम्हारी बात होती है,
उस सहारा नाम की लड़की से? मैडम मैं जाऊं, हो गया? हाँ ठीक है, जाइए। थैंक यू। आपका एड्रेस वगैरह छोड़ दीजिए ना, ताकि हम मैं मांग कब भरूंगा। हाय मैडम, देखिए इसी अलमारी में रखी थी मैंने अपनी ज्वेलरी। ठीक है आप रिलैक्स कीजिए, हम तहकीकात करते हैं। ठीक है मैडम, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी श्योर। हमें मालूम है मैडम सर, आप हमारे साथ काहे आइए? आपको लग रहा होगा ना कि हम भांडा फोड़ देंगे यहाँ पे उसके सामने उसके पति का। हाँ सच कहें तो हम इसलिए आपके साथ हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरह का आपका मूड है आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज करिश्मा सिंह, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस केस को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले रहे हैं। नहीं मैडम सर। मैडम आप, एक रिक्वेस्ट है, मेरे पति फिलहाल जॉब पर हैं, शाम को लौटेंगे, अगर उनके आने से पहले चोर का पता चल जाए तो? हाँ तो इसे तत्काल में पता चल सकता है, जॉब में आने से पहले क्या, अभी तुरंत पता चल सकता। क्या? हाँ सच्ची मैडम? नहीं आप मैडम सर के बारे में जानती नहीं है, इनके पास एक जादू का छड़ी है, वो घुमाती है तो सब सही हो जाता है। हो सकता है मैडम सर को पहले से ही पता हो कि चोर कौन है। सच? नहीं नहीं ये ऐसे ही मजाक कर रही है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, शक्ल देखकर पता नहीं चलता। ऑफिस से इस वक्त आप तो शाम को लौटते हो? चलो देखो देखो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें बताने वाला था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सुनिए आप हमारे... क्या सुनूं मैडम, देखो मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या हो रहा है दरअसल मैडम सर की बात सुनिए। अरे क्या सुनूं मैडम, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना, सच में कह रहा हूँ शालू, देखो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लड़की के। चुप, एकदम चुप, एक आवाज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, कब से मैडम सर कह रही बात सुन लो बात सुन लो, बात नहीं सुन रहे हो। अबेल मुझे मार, मैं कौन, मैं खामखा, बात तो सुन लीजिए। हम हैं SHO हसीना मलिक और ये हैं हमारी SI करिश्मा सिंह और हम आपकी पत्नी की सहेलियां हैं। हम उनसे मिलने आए हैं यहाँ और वो तो बस हमें घर दिखा रही थी। हाँ कि घर हम देख रहे थे आके, पहली बार आए हैं ना इधर। करेक्ट करेक्ट, बहुत खूबसूरत घर है आपका, वेरी ब्यूटीफुल। और हम पक्की सहेलियां हैं, समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा तो आप तीनों सहेलियां हैं? जी। लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे थे और किस लड़की का जिक्र कर रहे थे आप? अच्छा हाँ लड़की, वो बेंगलोर में तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैं इतनी खूबसूरत जगह जाने के लिए मना कर रहा था, हमें जाना चाहिए। अब लड़की है, हमारे घर की लड़की है, बुरा लगेगा अगर हम लोग नहीं गए तो ना, हम चलेंगे साथ में, चलेंगे बैंगलोर चलेंगे। चलो अच्छा, कम से कम आप जाने के लिए राजी तो हो गए। हाँ हाँ मैं राजी हूँ, हम चलते हैं साथ में चलते हैं। अरे शालू मैम है, तुमने इनको चाय नाश्ता कराया कि नहीं? नहीं नहीं नो थैंक्स, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, हम ठीक है, हमने पानी पी लिया। हाय काजल, ये मैं हूँ नरेश। मैं जानता था तुम्हारा फोन आएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। तो कब मिल रहे हैं? ये हम किसको मैसेज कर रहे थे? ये लल्ला नहीं है, ये तो कोई और है, मतलब हम अब तक किसी और को लल्ला समझकर बेकार में कोड़ रहे थे, कहीं गलत नंबर सेव तो नहीं कर दिया हमने? पता लगाते
करिश्मा सिंह, क्या हुआ? मैडम सर, कुछ कुछ नहीं, बोलता ऐसी कुछ जोक पढ़ लिया तो वो पढ़ के हंस रही है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आइए करिश्मा सिंह, चलिए चलिए चलिए। मतलब आप किसी नरेश को लल्ला समझकर उन्हें मैसेजेस भेज रही थी और उनके जवाब पढ़कर इतनी परेशान हो रही थी जी। आपको क्या लगा कि आपका लल्ला अम्मा का लल्ला? अच्छा ठीक है, अम्मा का लल्ला जो है वो दूसरे पतियों की तरह निकले, वो क्या आप अपनी भाषा में क्या कहती हैं, क्या कटी कटी पतंग? मतलब आपके लल्ला कटी पतंग निकले कि जो चाहे उसे लूट ले। पर एनीवेज, अब जब ये गलतफहमी दूर हो गई है, अब कैसा लग रहा है? क्या बताएं मैडम सर, कैसा लग रहा है? इतना शर्मिंदा है ना हम कि खुद से आंख नहीं मिला पा रहे। इतना बड़ा पाप कर दिया हमने लल्ला पे शक करके, अम्मा के लल्ला, अम्मा के लल्ला पर शक करके। अब ये पश्चाताप हम कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, एक सबक जरूर मिल गया मैडम सर हमें कि अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर गया तो प्यार था ही नहीं। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं, अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर गया तो कभी था ही नहीं। माफ कीजिएगा मैडम सर। अरे नहीं नहीं प्लीज। हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, कहिए। मैडम सर, हमें वो आदमी मिल गया है जो उस लड़की का अगला शिकार होने वाला है। क्या? दैट्स ग्रेट न्यूज, थैंक यू, हम बस पहुंच रहे हैं। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। गुड न्यूज करिश्मा सिंह, वो आदमी मिल गया है जिसको ये लड़की अपना अगला शिकार बनाने वाली है। ये बहुत अच्छा मौका है इस लड़की को और उस पूरे गैंग को पकड़ने का। चलिए जल्दी थाने। हाँ जी, आवारा आशिक, किसी सहारा का सहारा लेने का जरूरत पड़ रहा है, तुम्हारा बहुत दिल लगी चल रही है। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो फ्रॉड लड़की हो ही नहीं सकती। उसने हमसे आज तक एक नया पैसा नहीं मांगा, सिर्फ मांगा है तो प्यार भरे दुर्लभ। सहारे का सहारा ना मिला होता मैडम ना, तुम सहारा के रेगिस्तान में ऐसे बेसहारा घूम रहे होते। देखो क्या है ना इकबाल, उसने तुम्हें पसंद किया है तो एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है। हाँ हाँ। देखो अगर वो लड़की वही निकली जो तुम कह रहे हो तब तो बात खत्म हो जाती। हाँ। लेकिन अगर वो कोई और है तो फिर इस केस में हमें बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है? इसलिए फोन लगाओ। मैडम थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा तुमसे। संतोष शर्मा, लोकेशन। लाउड स्पीकर। हेलो सहारा। हाय को, कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी, अब फुर्सत मिली है तुम्हें। मिल गया लोकेश। कुछ संतु जी, लाउड स्पीकर। सीता धीरे से बताओ। हाँ लोकेशन मिल गया मैडम सर, 101 शालीमार सोसाइटी, गोमती नगर एक्सटेंशन। हाँ ठीक है ठीक है, बात करते रहो बात करते रहो। हाँ बस थोड़ा बिजी थे। और तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल, हर वक्त बस तुम्हारे ही बारे में सोचते रहती हूँ। सच्ची? कौन है? कोई नहीं, कोई आ गया, बाद में बात करते हैं। बाप रे, देख रही कैसा फ्लर्ट कर रही थी, पूरा मास्टरी करके बैठी है फ्लर्ट में, ऐसा लग रहा है डिप्लोमा किया हुआ है मर्दों को फंसाने। देख रही है मैडम, पूरा पैर से लेके बाल तक सिहर गया एकदम। अभी भी शर्मा रहा है, अभी भी शर्मा रहा है। हो गया आप सबका, हो गया, अब हम बोले जी। हम और करिश्मा सिंह इस लोकेशन पर जाएंगे इस लड़की को पकड़ने के लिए। आप सब में से सबसे अच्छा फ्लर्ट करने की एक्टिंग कौन करता है? मैडम सर, ये भी कोई पूछने की बात है? सारा शहर जानता है अपने थाने में सबसे सुंदर अभिनय कौन कर सकता है। पुष्पा जी, आपका काम है कि इकबाल को आप कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे कि वो किसी भी तरह फोन पर उस लड़की से बात करता रहे, ठीक है? हाँ, संतोष शर्मा, अगर लोकेशन चेंज होती है तो आप हमें अपडेट करेंगे। जी। सब क्लियर? जी। ओके चलिए करिश्मा सिंह, चलो बिल्लू। हेलो हेलो सहारा। तुम्हारी जुल्फों की छाव में बस जाना चाहता हूं, तुम्हारी नशीली आंखों में
डूब जाना चाहता हूँ। तुम्हारी जुल्फों की छांव में डूब जाना, बस जाना चाहता हूँ। तुम्हारी नशीली आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। और तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाना चाहता हूँ। ज्यादा मत डूब, मर जाएगा रे। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, आगे से लेफ्ट लेना है। जी 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 मैडम। ठीक है, इकबाल से कहो बात करते रहे। इकबाल कंटिन्यू रखो। ओके चलिए। नहीं नहीं, पैदल चलेंगे क्योंकि हो सकता है पुलिस की गाड़ी देखकर अलर्ट हो जाए। चलिए। करिश्मा मैडम थैंक यू, ये मिशन ना मेरे लिए एकदम करेक्ट है, लड़की को पकड़ना है। बोलो 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 बोलो। तुम्हारी सांस मेरी सांस से मिल रही है। तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है। अरे सांस नहीं, सांस सांस, ये वाली सांस। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ज्यादा से सांस मत खींचिए, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, याद है ना? हाँ, अच्छा वो चीज याद दिला दिया। तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है, ये होता है अभिनय। उफ, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम, कहां से सीखा इतनी खूबसूरत बातें करना? मैं तो दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर।